हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, तो ये अगले बैच से अपना कोर्स में 4 साल ग्रेजुएट कोर्स ऐड कर रहे हैं। और तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में और आपको बताते हैं पूरी डिटेल वीडियो और करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी अगले जो एकेडमिक सेशन से वो अपना 4 ईयर ग्रेजुएट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है उन्होंने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर वो इशू कर दिया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं 8 दिसंबर से। और उन्होंने ये कहा है कि ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 या 4 साल की अवधि का होगा। इस दौरान एडमिशन, अगर बात करें एंट्री और एग्जिट दोनों की फैसिलिटी या ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इसके अनुसार नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि जैसे अगर आप बात करें अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, फाइन आर्ट, मैनेजमेंट स्टडी और भी कई तरह के कोर्स अवेलेबल होंगे 8 सेमेस्टर 4 ईयर प्रोग्राम में, तो ये आप दे सकते हैं। और जो ये यूनिवर्सिटी 4 साल का कोर्स चला रही है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चला रही है। और इसके साथ साथ इनके अनुसार छात्र पहले वर्ष के बाद इसका सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलने का या बाहर एग्जिट करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। और दूसरे वर्ष के बाद डिप्लोमे के साथ इसका जो लेटर है या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो भी जारी कर सकते हैं। तीसरे वर्ष के बाद अगर पहले वर्ष में करते हैं तो एज ए सर्टिफिकेट उन्हें इशू करके दिया जाएगा। 2 साल बाद करके इशू यानी कि एग्जिट होते हैं तो एज ए डिप्लोमा यानी कि इशू किया जाएगा। तीसरे साल के बाद अगर वो करते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री, और अगर चौथे डिग्री या चौथे साल बाद वो एग्जिट करते हैं जो कि 4 साल का प्रोग्राम है, तो उसे यूजी ऑनर्स डिग्री के साथ यानी कि वो उन्हें इशू करके दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसके लिए छात्रों को जो क्रेडिट है वो लेना जरूरी होगा या क्रेडिट प्राप्त होगा। और इसके बाद बात करें तो इसमें जो है वो 84 क्रेडिट एडमिशन है जी। यूनिवर्सिटी दूसरे, तीसरे और फोर्थ या फाइनल वर्ष में जो साइट में है, साइट एडमिशन के लिए सीटें तय करता है और एडमिशन प्रोग्राम की जरूरतें हैं। इसी अन्य विश्वविद्यालय में 2 साल के बाद 84 क्रेडिट का डिप्लोमा होता है जी हाँ। और इसके साथ साथ वो एडमिशन ले सकता है थर्ड ईयर में ग्रेजुएट प्रोग्राम एट JMI या इसी यूनिवर्सिटी में। और इसके साथ साथ अगर बात करें कि सेम टाइम में यूनिवर्सिटी इज कंसीडर एडमिशन फोर्थ ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम जी, उसे यानी कि ये मान लिया जाएगा कि 4 साल का ग्रेजुएट कोर्स है वो एडमिशन लेने के लिए। और मौजूदा समय में इस यूनिवर्सिटी में 20 से भी अधिक यूजी कोर्सेज में अगर बात करें तो CUET UG एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन मिला है जी हाँ। तो ये आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी 4 ईयर का प्रोग्राम चला दिया, उसके क्या क्या बेनिफिट है। जब वो इन बिटवीन निकलता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो उसके क्या क्या एडवांटेज है, कैसे वो निकल सकता है, तो ये आपको बताया। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।